अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन के बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को आप एक्टिव कर ले, जिससे मेरे चैनल पे सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं cmarohanasarma.in, जहाँ पर आपको CMA से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। Hey, hi friends, hope so, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है एंड आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ACCA के SBR का जो पेपर है हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, ये उस पेपर के कंप्लीट वीडियो सीरीज होने वाली है। मैं वन बाय वन सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे सारी वीडियोज की अपडेट आपको मिलते रहे। सो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, आज हम देखेंगे जनरल फ्रेमवर्क जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, उसकी सेपरेट क्वेश्चंस नहीं आती, लेकिन हाँ जनरल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं इंटायर सिलेबस में हर एक चैप्टर में यूज होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे IFRS 13 के बारे में भी, जो हमारा फेयर वैल्यू मेजरमेंट है। तो आप ये चैप्टर, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें एंड हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। मैं करता हूं अपनी स्क्रीन शेयर आपके साथ। ये हमारे पास SBR का जो लेटेस्ट बुक है वो है एंड इससे लेटेस्ट बुक अभी मेरे पास कोई आई नहीं है, तो हम इसके बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, एंड ये रहा हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में। तो अब अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इंट्रोडक्शन। अब दिस चैप्टर कंसिडर टू डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है चैप्टर, इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने दो डॉक्यूमेंट इशू किए हैं जिसके बारे में चैप्टर डिस्कस करता है, डेट अंडरपिन ए रेंज ऑफ IFRS एंड IAS स्टैंडर्ड। पहला डॉक्यूमेंट क्या है हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड दूसरा है हमारा IFRS 13 जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट है। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता क्या है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूज बाय बोर्ड, बोर्ड यानी जो हमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा है, व्हेन डेवलपिंग, जब ये कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करे और रिवाइज एन IFRS और IAS स्टैंडर्ड, ठीक है स्टैंडर्ड्स, एंड बाय प्रिपेयर, जब इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे होंगे प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन नो रिलेवेंट IFRS और IAS स्टैंडर्ड एग्जिस्ट। ये तब फॉलो करना है जब आपके पास कोई IFRS या फिर IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, आप अपनी बुक्स बना रहे हो तब, या फिर आप कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप डेवलप कर रहे हो एट द टाइम बोर्ड इसको यूज करेगी। दूसरी बात करें अगर IFRS 13 के बारे में, तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट के बारे में बात करता है, यूज बाय प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेन एन IFRS और IAS स्टैंडर्ड रिक्वायर और अलाउ द यूज ऑफ ए फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो ये तब यूज होगा जब भी फेयर वैल्यू का जिक्र कहीं भी होगा किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, उस समय हम IFRS 13 के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू को मेजरमेंट करेंगे। अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका इंट्रोडक्शन, द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पहला अगर बात करें, ये फर्स्ट पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं, द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज सेट ऑफ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल। देखो ये सेट ऑफ क्या है, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स है एंड कॉन्सेप्ट्स दैट अंडरलाई द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाया गया कि जैसे एक रूल बुक हो गई आपके पास, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। अब उस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम बहुत सारे लॉज बनाए, तो सारे लॉ क्या हो गया, एक स्पेसिफिक लॉ हो गया उस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, उस पार्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड, हम उस पार्टिकुलर लॉ को फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास लॉ कहीं साइलेंट है तो हम जनरल प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। सो ये उसी चीज के बारे में बात करता है। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इफ नो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड बी प्रोड्यूस ऑन ए हैपहजर्ड बेसिस एज ए पार्टिकुलर इशू एंड सर्कमस्टेंसेस अरोज। अगर कोई
कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं होगा, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लोग डेवलप कर रहे होंगे उनके पास कोई थॉट नहीं होगा। एटलीस्ट हमें पता है कि हमें करना क्या है और क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए काम करना है, तो हम उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सेम ऐसे इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब ये डेवलप होगी तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करेंगे। The strong conceptual framework means that there are principles in place from which all future accounting standard draw. It also act as a reference point for the preparers of financial statement if no accounting standard governs a particular transaction. ठीक है, the section of the text consider the content of the conceptual framework for the financial reporting in more details. अब बैकग्राउंड, अब बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। तो जो 1989 के बारे में पहले बात करते हैं, द फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज इशूड। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 1989 में इशू किया गया था, फिर 2004 में इसको रिवाइज किया गया। किसने? बोर्ड ने एंड यूएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, दोनों ने ज्वाइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया टू रिवाइज दिस रिस्पेक्टिव फ्रेमवर्क। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट द बोर्ड इशू, फिर से उन्होंने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 2010 में इशू किया। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम 1989, यानी 1989 के फ्रेमवर्क को कॉपी पेस्ट कर दिया गया। फ्रेमवर्क वाज सिंपली रोल्ड ओवर बट टू चैप्टर, जो दो नए चैप्टर्स को लाया गया, एक तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईचफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं, द बोर्ड एंड फैस सब्सिक्वेंटली सस्पेंडेड हो गया। सस्पेंडेड मतलब ज्वाइंटली काम नहीं कर रहे थे, वर्क ऑन दिस ज्वाइंट प्रोजेक्ट। दिस सेवरल क्रिटिसिज्म हुआ बिकॉज इसमें काफ़ी सारे एरिया थे जहाँ पे काम होने चाहिए थे बट नहीं हुए। जैसे इट डिड नॉट कवर सर्टेन एरिया सच एज डी रिकॉग्निशन एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। गाइडेंस इन सम एरिया बेर अनक्लियर सच एज विथ रिगार्ड टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी था, इट डिड नॉट कवर सर्टेन एरिया जैसे डी रिकॉग्निशन के बारे में एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में। सम एस्पेक्ट वेर आउट ऑफ डेट सच एज रिकॉग्निशन कैरेक्टर ऑफ एसेट्स। कुछ ऐसे एरिया थे जो आउट ऑफ डेट थे, उस टाइम के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स नहीं इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए दोनों ने ज्वाइंटली काम करना बंद कर दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिटिसिज्म कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाज आइडेंटिफाई एज ए प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। सो 2012 में फिर से काम स्टार्ट हुआ और फाइनली 2018 में एक न्यू डॉक्यूमेंट आया जिसमें काफी सारे चेंजेस किए गए। अब दो पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्पस क्या था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने के। ये हमारे पास तीन पर्पस है। पहला, बोर्ड का क्या पर्पस है, जब बोर्ड कोई भी IFRS या IAS डेवलप करे तो इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए ही वो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करे, उसके पास सेट ऑफ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स है। दूसरा, प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप एज ए क्वालिफाइड पर्सन आप कंपनी में जाओगे और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाओगे तो उस केस में भी आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को यूज करना है, जब कोई IFRS या IAS स्टैंडर्ड नहीं है तो। और जब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टेक होल्डर पढ़ेंगे उस केस में भी उनको इस इंटरप्रिटेशन करने के लिए वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को यूज करेंगे। The conceptual framework is not an accounting standard. ये कोई accounting standard नहीं है। It does not override the requirement of particular accounting standard. मतलब अगर conceptual framework कुछ चीजें कह रही है और ऑलरेडी एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन चुका है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, ना कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तब आपको फॉलो करना है जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साइलेंट है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं उस टॉपिक के ऊपर, तो तब आपको क्या फॉलो करना है, तब आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉलो करना है। The objective of financial reporting, the conceptual framework state that the purpose of financial reporting is to provide information to current and potential investor. काम क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना करेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को एंड अदर क्रेडिटर्स, डेट विल इनेबल देम टू मेक डिसीजन अबाउट प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सोर्सेज ऑफ द एंटिटी। If investor, lenders and creditors are going to make their decision, अगर वो अपना decision लेने जा रहे हैं, decision they
रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म दिस विल हेल्प ट्विसेस, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगा तो उनको हेल्प मिलेगा अपना डिसीजन लेने में। द एंटिटी पोटेंशियल फ्यूचर कैश फ्लो, अगर मुझे पता चल जाए कि जिस कंपनी में मैं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो फ्यूचर में क्या क्या पैसे अर्न करेगा, कैसे पैसा अर्न करेगा, तो शायद मुझे एक अच्छा सा मेरे सामने एक पिक्चर आएगा जिसके बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में कर सकता हूँ। मैनेजमेंट स्टुअर्डशिप ऑफ द एंटिटी इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी के रिसोर्सेज के कैसे है, मतलब कंपनी के रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर रही है नहीं कर रही है। टू एसेस द एंटिटी फ्यूचर कैश फ्लो, यूजर्स नीड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, एग्जांपल एसेट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या आते हैं, एसेट्स आ गए, लायबिलिटी एंड इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, इन सब के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं कुछ आगे पॉइंट्स के बारे में। अब ये कुछ क्वालिटेटिव, अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर दो आता है, एक तो हमारा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, जिसके अंदर पहला पॉइंट हमारा रिलेवेंट एंड फेथफुल इन्फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट, रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मीन्स यानी जो मटेरियल है, जैसे मान लो कि अब मेरी कंपनी का टर्नओवर 10 लाख करोड़ है, अब मैं 2000 वाले आइटम्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाऊं तो वो रिलेवेंट नहीं है। तो एक पॉलिसीज होने चाहिए जिसमें रिलेवेंट एक जो भी आइटम्स है उसको हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है, जो कि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन मेड बाय यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलेवेंस रिक्वायर मैनेजमेंट टू कंसिडर मैटरिलिटी, मैटरिलिटी मैंने आपको बता दिया कि अब 2000 का आइटम मैटरियल होगा अगर मेरी 10 लाख करोड़ की टर्नओवर है, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर वही 2 लाख करोड़ मेरा टर्नओवर है तो मेरे लिए शायद 1000 करोड़ का आइटम मेटल डेफिनेटली होगा, उसके बारे में बात करते हैं मेटलिटी के ऊपर। सेकंड, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कंप्लीट, नेचुरल एंड फ्री फ्रॉम मिरर, मतलब जो भी चीज है, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करो तो कंप्लीट इन नेचर होना चाहिए, जिससे सबको समझ में आए, नेचुरल होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम मिरर, मतलब उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फेथफुल वुड बी रिप्रेजेंटेड इकोनॉमिक सब्सटेंस रेदर देन लिटिकल फॉर्म, इसका एक एग्जांपल है हायर परचेज। अगर आपने हायर परचेज के बारे में आपने पढ़ा होगा तो हायर परचेज में क्या होता है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं तब हमारा ऑनरशिप ट्रांसफर होता है, लेकिन बुक में हम उसी दिन एंट्री पास कर देते हैं जिस दिन हम एसेट्स अपने घर पे लेके आते हैं। तो हमने वहां पे क्या क्या लीगल फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन को इंपॉर्टेंस ना देके उसके एक्चुअल फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन को हमने इंपॉर्टेंस दिया। The board note that it is not fully achievable, but these qualities should be maximized. बोर्ड को भी पता है कि हम इसको 100% तो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन हम जितना ज्यादा मैक्सिमाइज करेंगे इन प्रिंसिपल्स को उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ये आप सबको पता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मतलब हमें लाइबिलिटी और एक्सपेंसिस को हमें उसके हायर साइड लेके जाना है, मतलब ऐसा नहीं कि हम ओवर स्टेटेड कर दे, बट हम प्रायोरिटीज देंगे एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज को, और इनकम और एसेट्स को हम कम पे दिखाएंगे। बट ओवर स्टेटेड एंड अंडर स्टेटेड नहीं होगा, ठीक है। अब इनहेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कंपेटिबिलिटी, कंपेटिटिविटी का मतलब हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो ऐसा बनाओ कि उसको कंपेयर किया जाए। कंपेयर कैसे हो सकता है, आप जैसे मान लो हम इस ईयर हम अपनी अकाउंटिंग जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हम अपने एसेट्स के ऊपर WTV मेथड लगा रहे हैं, अब नेक्स्ट ईयर आपने SLM मेथड लगा दिया तो क्या होगा, कंपेरेबल होगा, नहीं होगा कंपेरेबल। तो हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसको ओवर द पीरियड हम फॉलो करें, जिससे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने स्टेटमेंट्स को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। टाइमलाइनेस, मतलब ओल्ड एंड इन्फॉर्मेशन इज लेस यूजफुल, अब हम ऐसे इन्फॉर्मेशन को हमें ज्यादा दिखाना चाहिए जो रिलेवेंट है और लेटेस्ट है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे। वेरीफेबिलिटी, नॉलेजेबल यूजर शुड बी एबल टू एग्री दैट द पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफर ए फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, यानी वेरीफेबिलिटी मतलब उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। अब मान लो आपने एसेट दिखा दी और एसेट एक्चुअल में है ही नहीं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि अंडरस्टैंडेबल हो, अब आपको उतना ना इतना लेंदी बना दो कि लोग उसको समझ ही ना पाए, यानी सिंपल होना चाहिए जो इजिली एक नॉर्मल लेमन भी उसको पढ़ के समझ सकता है।
अब बात करते हैं कॉस्ट कंसंट्रेट के बारे में। तो ये होता क्या है कि देखो, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है, ऑडिटर्स को फीस देना पड़ता है, तो ये सारा क्या है, कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो जब हम IFRS स्टैंडर्ड और IAS बना रहे हो तो हम इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए बनाए कि ये पार्टिकुलर स्टैंडर्ड जो हमें बेनिफिट देगा उससे ज्यादा तो कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है। प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टेक time and cost money. When developing IFRS standard, the board assess whether the benefits of reporting particular information outweigh and the cost involved in providing it. बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग इन डिटेल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है? द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नोट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर अबाउट एन एंटिटी। किस किस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है? एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेज। ये पांच आइटम होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है। अब देखो, एसेट्स एंड लाइबिलिटी क्या होती है, कहाँ पे आपको मिलेगी? ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर मिलती है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गया? हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो गया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इनकम एंड एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। अदर स्टेटमेंट सच एज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये हमारे कैश का मूवमेंट के बारे में हमारा बताते हैं, यानी कितनी लिक्विडिटी है कंपनी के बारे में, ये वो बताती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एंटिटी इज गोइंग कंसर्न। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी अजम्पशन पे बनाते हैं कि कंपनी की इनफाइनाइट लाइफ है, वो नियर फ्यूचर में बैंकक्रप्ट नहीं होने वाली है या लिक्विडेट नहीं होने वाली है, बंद नहीं होने वाली, ये सोच के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं। दिस मीन्स दैट इट कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर फोर्सेबल फ्यूचर। इट इज अजम्पशन इज नॉट एक्यूरेट देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन डिफरेंट बेसिस, ठीक है। अगर एजम्पशन नहीं है तो आपको डिफरेंट बेसिस पे बनाना होगा। अब द रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होता है? द रिपोर्टिंग एंटिटी इज वन दैट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइदर थ्रू चॉइस और एज ए रिजल्ट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, या फिर आप अपने चॉइस से बना रहे हो। चॉइस मतलब मेरे ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है, मैं खुद की मर्जी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ। दूसरा क्या हो सकता है कि आपके ऊपर लॉ की रिक्वायरमेंट आ गई, आप किसी, जैसे इंडिया में क्या है कि इंडिया में कंपनी लॉ है। अब कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसको कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग शेड्यूल्स फॉलो करने हैं, शेड्यूल्स फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है, तो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो गया। दूसरा क्या है, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ, मेरी खुद की बिजनेस है, मेरे पर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है, मैं खुद की मर्जी से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ। अब आगे बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस फॉर टू और मोर एंटिटीज That are not parents and subsidiaries are called combined financial statement. अब देखो, combined financial statement क्या होता है? जब हम दो companies को आपस में मिला के financial statement बनाते हैं और वो दोनों company का आपस में कोई relation नहीं है, ना वो holding subsidiary का relation है, ना फिर आप associate का relation है, उसको हम बोलते हैं combined financial statement. It can be difficult in these circumstances to determine the boundary of reporting entity. Note that the conceptual framework does not stipulate how when prepare combined financial statement. ये जो conceptual framework है ये इसके बारे में कुछ नहीं बताता। Board may develop, यानी in future में develop कर सकता है, financial statement produced for a reporting entity that comprises a parent's company and subsidiaries called consolidated financial statement. जहाँ पे holding subsidiary का relation है and उसको हम console कर रहे हैं, उसको consolidated financial statement बोलते हैं। Unconsolidated financial statement also provide useful information to investors in a parent company, for example about the level of distributes reserves, but they are not a substitutes for information provided in consolidated financial statement. ठीक है, the element of financial, अब हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या एलिमेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इसके अलावा इनकम एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे एलिमेंट्स ही होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं। अब एसेट्स क्या होता है, ए प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल बाई एन एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, यानी हमने पास्ट में कुछ ऐसा इवेंट किया, यानी पास्ट में हमने चीजें खरीदी है जिसके वजह से हमारे पास वो हमारा रिसोर्स है और हमारे कंट्रोल में, यानी हमने पैसा पे किया
तो हमारे ऊपर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, हमारे पास उसके राइट्स आ गए। लायबिलिटी क्या है, हमारा एक ऑब्लिगेशन है जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, किसके वजह से, पास्ट के वजह से। दिस इज शेड्यूल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी। इनकम एक्सपेंसेस आप सबको पता है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं। अब रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, और डी रिकॉग्निशन का मतलब होता है बुक्स में से हटाना, यानी उसको डिजॉल्व करना। आइटम्स आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ दे मीट द डिफिनेशन ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट। हाउएवर नॉट ऑल आइटम मीटिंग दिस डिफिनेशन आर रिकॉग्नाइज्ड। एलिमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इफ रिकॉग्निशन प्रोवाइड्स यूजर विद useful financial information. In other word, recognition must provide relevant information. आपको पहले ही मैंने बताया कि इन relevant information को financial statement में present करना है। Conceptual framework इस बात को बात करता है। The faithful representation of assets or liability as resulting income expenses or equity movement. Recognition might not provide relevant information if there is uncertainty over the existence of the element. अब uncertain है कि वो assets हमारे पास है या नहीं, तो उसको हम present नहीं करेंगे। जैसे contingent assets and contingent liability के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। Recognition of an element might not provide a faithful representation if there is a very high degree of measurement uncertainty. If assets and liability not recognized, disclosure may require to ensure users fully understand the reporting entity, economic transaction and the implication and this may have on future earning and future cash flow. ठीक है। अब derecognition. Derecognition का मतलब क्या होता है? Removal of some or all of assets या फिर liability को जब हम removal करते हैं उसको बोलते हैं derecognition. Derecognition कब हो सकता है? अगर एसेट्स के ऊपर अगर आपका कंट्रोल चला जाता है, या फिर लायबिलिटी का आपने पेमेंट कर दिया है तो उसका कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अब नहीं बचा है, तो आप इसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। अकाउंटिंग फॉर डी रिकॉग्निशन शुड बी फेथफुली रिप्रेजेंट द चेंजेस इन एन एंटिटी नेट एसेट्स एज वेल एज एनी एसेट्स और लायबिलिटीज रिटेन। दिस इज अचीव्ड बाय डी रिकॉग्निशन एनी ट्रांसफर्ड एक्सपायर्ड और कंज्यूम्ड कंपोनेंट, रिकॉग्नाइजिंग ए गेन और लॉस ऑन द अबव एंड रिकॉग्नाइजिंग एनी रिटेनिंग कंपोनेंट। समटाइम्स an entity might appear to have transferred an assets or liability, however derecognition would not appropriate if exposure to variations in the element economic benefit is retained. ठीक है, अब बात करते हैं मेजरमेंट के ऊपर। देखो एसेट्स का जो मेजरमेंट होता है, एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल दो, या फिर आप करेंट कॉस्ट भी आप उसको बोल सकते हो, पास्ट कॉस्ट मतलब करेंट पास्ट कॉस्ट बोल सकते हो, और एक दूसरा करेंट वैल्यू। अब करेंट वैल्यू के अंदर क्या आता है, एक तो फेयर वैल्यू आता है, वैल्यू इन यूज आता है, और करेंट कॉस्ट आता है। अब फेयर वैल्यू क्या होता है, मार्केट में आज के डेट में उस पार्टिकुलर एसेट्स की जो वैल्यू होगी उसको हम फेयर वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है कि अगर हम वो एसेट्स मार्केट में ना बेचे और अपने पास रिटेन करके रख लेते हैं, तो नेक्स्ट 5 इयर्स 10 इयर्स जो भी उसकी लाइफ है, उस लाइफ में हम कितना अर्न कर पाएंगे उसकी आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। करेंट कॉस्ट मतलब आज के डेट में उसकी मार्केट कॉस्ट, अगर हम उसको रिप्लेसमेंट करते हैं, करेंट कॉस्ट मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट आप बोल सकते हो। सिलेक्टिंग ए मेजरमेंट बेस, जब आप ये बेस लोगे तो आपको एक सुटेबल बेसिस लेना है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देख के। अब हमारे पास लैंड होता है, लैंड को हम कभी भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रीजन क्या है, लैंड की वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करती है और एप्रिसिएशन होता है, तो अगर हम इसको कॉस्ट पे मेजरमेंट करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं लॉस है। तो लैंड के केस में हम क्या करेंगे, इसकी फेयर वैल्यू के ऊपर मेजरमेंट करेंगे। लेकिन अब मान लो कोई आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है या प्लांट एंड मशीनरी, जिसको आपने परचेज किया अपने बिजनेस में ही यूज करने के लिए, उस केस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट मॉडल को यूज करेंगे। बिकॉज हमें यूज क्या करना है, उसको अपने बिजनेस में, हमारा ऑब्जेक्टिव उसको सेल करना नहीं है, तो इसलिए हमारा उसका करेंट मार्केट वैल्यू जानना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है,
ये अलग अलग बेस हो सकता है आपको। अब जैसे हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर को हमें क्या करना है, कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है, बिकॉज फर्नीचर हम सेल करने के लिए तो ले नहीं रहे, हमारा बिजनेस में उसको यूज करना ऑब्जेक्टिव है, तो हम उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये अलग अलग बेस हो सकता है, कंपनी टू कंपनी एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकती है। अभी वो सारी कहानी इन्होंने बताया है जो मैंने आपको बताया। अब एग्रीगेशन के बारे में बात करते हैं। एग्रीगेशन क्या होता है? अब सेम क्लास ऑफ एसेट्स को हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप सेम क्लास ऑफ एसेट्स को भी अगर अलग अलग दिखाओगे, तो पहला प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी लेंथी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो यूजर्स हैं उसको सही से समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो सेम क्लास ऑफ एसेट्स है, जैसे फर्नीचर हो गया, सारे फर्नीचर को एक जगह हम इकट्ठा कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे, ठीक है। लैंड को हम एक जगह एग्रीगेट कर देंगे, तो इसको हम एग्रीगेट करके ऐड करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रेसिव इनकम, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कॉन्सेप्चुअल फर्मों के स्टेट दैट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो पीएनएल है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में जानने के लिए। एज सच इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी नॉर्मली बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट। व्हेन डेवलपिंग और रिवाइजिंग स्टैंडर्ड द बोर्ड नोट दैट इट माइट रिक्वायर एन इनकम और एक्सपेंसेस टू बी प्रेजेंटेड इन अदर कंप्रेसिव इनकम इज रिजल्ट फ्रॉम द रीमेजरिंग। अब जैसे आपने रिवैल्यूएशन किया अपने शेयर्स की, रिवैल्यूएशन करने से आपको रिवैल्यूएशन गेन हो गया, तो जो रिवैल्यूएशन गेन होगा वो अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में आएगा, वो तो मैनेजमेंट के एफर्ट से नहीं आया, तो उसको हम पीएनएल में तो दिखा नहीं सकते, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, ठीक है। एनी मोर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इज प्रोवाइडेड इन एंटिटी परफॉर्मेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन द अदर कंप्रेहेंसिव इनकम शुड बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन डूइंग सो रिजल्ट इन प्रॉफिट और लॉस प्रोवाइडिंग मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। हाउएवर द बोर्ड मे डिसाइड दैट रिक्लासिफिकेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट इफ देयर इज नो क्लियर बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ रिक्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया, अगर वो सेट्स है और उसके हमने रीवैल्यूएशन की वजह से हमें गेन आ रहा है, तो उसको हम अदर कंप्रेहेंसिव में डालेंगे। लेकिन वही अगर हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और उसकी फेयर वैल्यू में चेंजेस आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पीएनएल में लेके जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन से आप देख लेना। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? पहला रीजन क्या है कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता, हम पास्ट के इन्फॉर्मेशन को हम प्रेजेंट करते हैं जो रिलेवेंट नहीं है। अगर हम फ्यूचर, यहाँ तक कि शेयर होल्डर क्या जानना चाहते हैं, कंपनी फ्यूचर में क्या अर्न कर सकती है, कंपनी के पास कैश क्या होगा फ्यूचर में, कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है, वो फ्यूचर के बेसिस पे वो कंपनी में पैसा लगाना चाहती है। लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या होता है, पास्ट का इन्फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका क्रिटिसाइज किया जाता है। पहले वही बता दिया इन्होंने, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। अनरिकोगनाइज एसेट्स एंड लाइबिलिटी, अब जैसे कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटी जो होते हैं वो रिकोगनाइज नहीं होते, जैसे गुडविल, गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दूसरा हमारे एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज जो भी लर्न कर रहे हैं हमारे कंपनी में वो भी एक हमारा एसेट्स है, बट हम एम्प्लॉयज को हम अपने एसेट्स में नहीं दिखाते हैं। कंपनी रेपुटेशन एंड इट्स एम्प्लॉय स्किल प्ले बायोटिकल रोल इन दिस सक्सेस बट दिज अनरिप्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। क्लटर, फाइनेंशियल रिपोर्ट हैज बीन क्रिटिसाइज इन रिसेंट ईयर्स बिकमिंग इंक्रीजली क्लटर एज रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। मतलब काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डिफरेंट डिस्क्लोजर्स हैं, तो हमें बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इसकी क्रिटिसाइज की जाती है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, करेंट एंड पास्ट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो आर नॉट द ओनली डिटरमाइन ऑफ फ्यूचर कैश सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस आल्सो डिपेंड ऑन द हाउ एन एंटिटी इज गवर्न्ड, द रिस्क टू विच इट एक्सपोज एंड हाउ वेल दिस मैनेज। मतलब वो अपने रिस्क को कैसे मैनेजमेंट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, बट ये क्या हो गया, एक तरीके से नॉन फाइनेंशियल है। तो एंड वेदर इट्स बिजनेस एक्टिविटीज एंड सब्सटेंसिबल इन टू द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इन अकॉर्डिंग विद IFRS स्टैंडर्ड एंड द लिटिल अबाउट दिस एरिया। तो वो फाइनेंशियल कॉम्पोनेंट पे ध्यान देता है, नॉन फाइनेंशियल पे तो ध्यान देता नहीं है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। एस्टिमेट्स,
अब एस्टिमेट्स क्या होता है, एस्टिमेट्स होता है कि जैसे हम डेप्रिसिएशन 10% से लगा है, 20% से लगा है, हम प्रोविजंस 10 लाख का बना रहे हैं, 20 लाख का बना रहे हैं, सारे एस्टिमेट्स है। तो इस एस्टिमेट्स से भी कहीं ना कहीं एग्जैक्ट फिगर तो होता नहीं है, तो ये भी एक रीजन इसके क्रिटिसाइज का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूजेज मेनी एस्टिमेट्स, एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन रेट, एस्टिमेट्स आर सब्जेक्टिव एंड कुड बी मैनिपुलेटेड, ये मैनिपुलेट किया जा सकता है। जब हमें इनकम ज्यादा दिखाना है तो हम अपने डेप्रिसिएशन को कम दिखा देंगे, या फिर कोई हम प्रोविजन को कम कर देंगे, हमारी प्रॉफिट इंक्रीज हो गई, जब प्रॉफिट कम करना हो तो हम अपने एस्टिमेट्स को हम बढ़ा सकते हैं, तो ट्रू पिक्चर नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल जजमेंट। अब देखो यहाँ पे जजमेंट भी इन्वॉल्व होता है, बिकॉज सारे ट्रांजेक्शन की तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे ट्रांजेक्शन के बारे में बताता नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनको अपने जजमेंट अपना बेसिस लगाना पड़ता है, तो जजमेंटल बेसिस हो जाता है। अब हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है चीज़ों को देखने के लिए, एक ये भी रीजन है इसके क्रिटिसाइज का। यूज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, पॉलिसी चॉइस, सम स्टैंडर्ड सच एज आईएएस 16 प्लान 10। अब इसमें क्या है, पॉलिसी चॉइस है। अब मैं हूँ, मेरा मन है मैं फ्यूचर फेयर वैल्यू लेके चलूँ, आप रिवैल्यूएशन मॉडल लेके चल रहे हो, कोई और कॉस्ट मॉडल लेके चल रहा है, तो मल्टीपल ऑप्शंस होने की वजह से क्या होगा, डिफरेंट कंपनी है तो अलग अलग पॉलिसी को यूज करेगी, अलग अलग पॉलिसी को यूज करेगी, तो शेयर होल्डर उसको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो एक ये भी रीजन है। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे IFRS 13 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।